जय हिंद, राम राम। दोस्तों आज हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आपको लेबर कार्ड किस तरह से इशू होता है, क्या प्रोसेस होता है, कौन सा प्रोसेस फॉलो करना होता है। दोस्तों चलिए हम बात करते हैं आपको किस तरह ऑफलाइन से जो है फॉर्म फिलअप करना होता है, फिर उसके बाद आपको ऑनलाइन करवाने होते हैं फॉर्म। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा, लेबर कार्ड उन्हीं लोगों को इशू होता है जो इन 37 कैटेगरी के अंदर आते हैं। दोस्तों सभी कैटेगरीज यहाँ पर लिखी हुई हैं, जैसे स्टोन कटर हो गया, मैसून हो गया, कारपेंटर हो गया, पेंटर हो गया, फिटर हो गया, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, वेल्ड सिंगर, वेल्डर, हेड मजदूर हो गया मजदूर। दोस्तों इसी तरह वगैरह वगैरह बहुत सारी 37 कैटेगरीज हैं आपके पास। दोस्तों आप इन किसी 37 कैटेगरी में से बिलोंग करते हो तो आपको लेबर कार्ड इशू हो सकता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपको किस तरह से आप ये फॉर्म जो है एप्लीकेशन किस तरह से फिलअप करना है। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सर हमें फॉर्म फिलअप करना सिखाए और फॉर्म कौन सा है वो हमें वीडियो में बताया जाए, तो इसलिए दोस्तों मैंने एक फॉर्म ऑफलाइन डाउनलोड करके मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों सबसे पहले आपने यहाँ पे देख रहे होंगे आपका बैंक अकाउंट नंबर मांगा है, 16 डिजिट का होना चाहिए, जे एंड के बैंक अकाउंट चलेगा, आधार नंबर, फ़ोन नंबर। दोस्तों ये तीनों चीज़ें कंपलसरी होती हैं क्योंकि ये तीनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि होती भी हैं ये लोगों के पास, आधार कार्ड, फ़ोन नंबर और बैंक अकाउंट। ठीक है दोस्तों, नीचे आपको अपना नाम डालना है, फिर आपको नीचे अपने सेक्स चेंज करना है, मेल और फीमेल, मार्शल स्टेटस आ गया आपके पास, अनमैरिड है, मैरिड वर, वीडो है, थर्ड आ गया फादर नेम या हस्बैंड नेम। देखिए अगर एक मेल अगर बना रहा है तो उसका फादर नेम आएगा, अगर एक वाइफ के नाम पे अगर लेबर कार्ड बन रहा है तो उनको हस्बैंड नेम भरना पड़ेगा, वहाँ पे हस्बैंड नेम वाला बॉक्स ही टिक करना है, मदर नेम भरना है दोस्तों आपको, डेट ऑफ बर्थ अपनी, कैटेगरी आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो दोस्तों, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप हो तो यस कीजिए, अगर नहीं हो तो नो कीजिए, परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर का, कंपलसरी नहीं है जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि परमानेंट रेजिडेंट जो है वो जम्मू एंड कश्मीर का है या नहीं है, यस आर नो। आपको राशन कैटेगरी देनी है, APL, BPL, AAY कौन सी है। आपको लैंग्वेज अपनी सेलेक्ट करनी है जो आप बोलते हो। फिर आपको नीचे दोस्तों यहाँ पर देखना है कि प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। दोस्तों इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि आपका प्रेजेंट एड्रेस कौन सा है और परमानेंट एड्रेस कौन सा है। अगर दोनों एड्रेस आपके सेम है तो आप यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस को भरें और उसके बाद जो परमानेंट एड्रेस है इसके बाद यहाँ पर ये जो बॉक्सेस है इसको टिक कर दीजिए आप लोग। इसको टिक करने के बाद दोस्तों क्या होगा कि आपका जो एड्रेस सेम होगा, इसीलिए आपको टिक करना है कि परमानेंट एड्रेस वो और प्रेजेंट एड्रेस जो दोनों सेम हैं। तो आपको ये डिटेल सारी भरनी है, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट ऑफिस, पिन कोड, कॉन्टैक्ट नंबर। दोस्तों दोबारा से आपको बैंक अकाउंट नंबर नीचे भी भरना पड़ेगा, उसमें आपका IFSC नंबर भी लगेगा सर, नेम ऑफ बैंक, ब्रांच नेम, IFSC कोड्स 11 डिजिट का। तो नीचे आपको लिखा यहाँ पर सिलेक्ट प्रोफेशन, राइट द नंबर ऑफ लिस्ट बिलो। दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे अपना आपका जो भी प्रोफेशन है, आप किसी भी प्रोफेशन से बिलोंग करते हो, चाहे आप हेड मजदूर हो, मजदूर हो, कारपेंटर हो, किसी भी प्रोफेशन से आप अगर बिलोंग करते हो तो आप यहाँ से टिक कर लीजिए। और यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं दोस्तों एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, नंबर ऑफ डेज एम्प्लॉयमेंट बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर इन दी प्रोसीडिंग वन। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि 90 डेज जो होते हैं ना, एटलीस्ट जो आपको 90 दिन की जो है आपको अटेंडेंस होनी चाहिए कि आप एक साल के अंदर 90 दिन आपने काम किया है तभी आपको लेबर कार्ड इशू होगा। तो नीचे इसके नीचे आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो है आपको फैमिली डिटेल्स भरनी है, फैमिली डिटेल्स आपको भरनी है जिनको लेबर कार्ड इशू होना है, जिनके नाम पे उनका हमने पहले से डाटा भर दिया, वहाँ के उनकी फैमिली का नाम भरना है दोस्तों। दोस्तों फैमिली डिटेल्स भरने के बाद आपको डायरेक्टली नीचे आ जाना है, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट को चेक करना है। दोस्तों यहाँ पर आपको बस डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा होने चाहिए, 5 डॉक्यूमेंट्स हैं दोस्तों। इसमें से राशन कार्ड आपके पास नहीं भी हो ये ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर लिखा आप देख सकते हैं नॉन मैंडेटरी। आपके पास सबसे पहले ये होना चाहिए एज सर्टिफिकेट, एज सर्टिफिकेट में आपके पास क्या होना चाहिए, रजिस्टर ऑफ बर्थ, जो कि आपके पास अगर स्कूल का सर्टिफिकेट होगा वो भी चलेगा। अगर आपके पास अगर स्कूल सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको एक हॉस्पिटल से अपना एक मेडिकल सर्टिफिकेट होता है जो वो बनाना पड़ेगा। सेकंड आपको चाहिए दोस्तों
एड्रेस प्रूफ, आपके पास आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, इलेक्शन कार्ड आईडी हो, पासपोर्ट हो, चलेगा दोस्तों। तीसरा आपके पास है ये एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, तो इसके लिए हम बात करेंगे इसके रिलेटेड आगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो चौथा जो आपके पास जो कंपलसरी होनी चाहिए बैंक पासबुक, क्योंकि देखिए अगर आप लेबर कार्ड आपका बन रहा है तो बाद में अगर आपको स्टूडेंट्स के लिए अगर कोई पैसे मिलेंगे या किसी और की चीज़ के लिए पैसे मिलेंगे तो उससे क्या होगा कि आपको अगर बैंक अकाउंट उसके साथ ज्वाइन नहीं होगा तो फिर आपको लेबर कार्ड कैसे इशू होगा और कैसे वो बेनिफिट मिलेंगे दोस्तों। तो हम एक नेक्स्ट एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट के बारे में बताएंगे और बाकी जो स्कीम्स हैं लेबर कार्ड मज़दूर लोगों को जो इसके बेनिफिट्स मिलते हैं कौन कौन से, उस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो जो एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट के बनेगी और आपको बेनिफिट्स के बारे में भी बताया जाएगा। तो जय हिंद, राम राम, धन्यवाद दोस्तों।